गया में नक्सलियों ने शनिवार रात एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। यहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। मृतकों में 2 भाई और उन दोनों भाइयों की पत्नियां शामिल हैं। इसके बाद चारों के शव को घर के बाहर एक फंदे से लटका दिया, फिर घर को भी बम से उड़ा दिया। वारदात के बाद नक्सलियों ने घर के बाहर एक पर्चा भी चस्पा किया है। इसमें बदला लेने के लिए इस परिवार के सदस्यों की हत्या की बात कही गई है। और भी क्या कुछ कहा गया है हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि इस घटना की पुष्टि घटनास्थल पर पहुंचे SSP आदित्य कुमार ने की। आपको बता दें कि गया में कल यानी कि 15 नवंबर को चुनाव होना है और ऐसे में नक्सलियों के द्वारा इतनी बड़ी वारदात का अंजाम देने से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं इलाके में भी दहशत का माहौल कायम है। पुलिस के मुताबिक डुमरिया के मनोबार जंगल से सटे इलाके में सरयू सिंह भोक्ता परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में 2 बेटे और उनकी पत्नियां थीं। शनिवार की देर रात नक्सलियों ने घर पर धावा बोल दिया। सरयू सिंह भोक्ता के दोनों बेटे सत्येंद्र और महेंद्र और उनकी पत्नी मनोरमा देवी और सुनीता की हत्या कर दी। इसके बाद चारों शव को फंदे से भी लटका दिया, बम से घर को भी उड़ा दिया। इस वारदात को कितने नक्सलियों ने अंजाम दिया यह किसी ने देखा नहीं और कौन कौन लोग शामिल थे अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि घटना स्थल से जाते जाते नक्सलियों ने एक पर्चा भी चिपकाया। इसमें लिखा है, नक्सलियों के हत्यारे गद्दारों और विश्वासघातियों को सजाए मौत देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ये हमारे 4 साथियों अमरेश, सीता, शिवपूजन और उदय की हत्या का बदला है। षड्यंत्र के तहत 4 नक्सली को पूर्व में जहर खुरानी करवा के मरवाया गया था। वे एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे। विश्वासघात के आरोप में 4 लोगों को सूली पर चढ़ा दिया। गद्दारों व विश्वासघातियों को ऐसी ही सजा दी जाएगी। अमरेश कुमार, सीता कुमार, शिवपूजन कुमार और उदय कुमार की शहादत का बदला लिया गया है। कुछ इस तरह की बातें नक्सलियों द्वारा चस्पा किए गए पर्चा में लिखा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि पीड़ित परिवार के पास न तो कोई मोबाइल फोन है और न ही क्षेत्र में नेटवर्क है। जिस स्थान पर घटना हुई है वहां पर 2 ही घर हैं। दोनों घर एक ही परिवार के हैं, मंगरू और सरयू भोक्ता की। दोनों सगे भाई हैं। इन दोनों परिवार के अलावा किसी और का घर घने जंगल के बीच नहीं है। 2 घंटे तक नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी मृतकों के चाचा ने दी है। उनका कहना है कि हथियारबंद नक्सलियों ने घर को कब्जे में ले लिया, उसके परिवार व परिवार के बीवी बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया, पैर और हाथ मुंह बांध दिए। इसके बाद सरयू के दोनों बेटे महेंद्र सिंह और सत्येंद्र सिंह भोक्ता व उनकी पत्नियों को कब्जे में लेकर घर के बाहर गौशाला के पास गए। वहां चारों को लेकर एक एक कर हत्याएं कर दी। साथ ही बम से सरयू भोक्ता के घर को भी उड़ा दिया। करीब 2 घंटे तक नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। जाते वक्त सरयू के चाचा ने बताया कि उनका हाथ पैर खोल दिया और घर को भी खोल दिया। उनके जाने के बाद जब वे बाहर निकले तो मंजर देख सभी लोग सहम गए। 2 भतीजे और 2 बहुओं की शव गौशाला में लटक रहा था। घर उजड़ा पड़ा हुआ था। रात भर किसी तरह से बिताया। रात के समय से ही किसी को आने का इंतजार कर रहे थे पर कोई नहीं आया। सुबह भी कोई नहीं आया। इसी बीच कुछ स्थानीय अखबार वाले यानी कि मीडिया वहां खुद पहुंची और तमाम घटना की जानकारी ली। वहीं स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जब घर को डायनामाइट से उड़ाया गया तो काफी जोरदार आवाज हुई थी। देखना दिलचस्प है कि कल यानी कि 15 नवंबर को बिहार में पंचायत चुनाव के 7वें चरण का चुनाव होना है और ऐसे में प्रशासन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कैसे कदम उठाए जाते हैं।
फिलहाल दिलवान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।